इतना रोना आता है कि कुछ कि लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गया है। इतना भी बेकार नहीं ना है हम लोग की पासिंग मार्क्स भी नहीं दे रहा है, वो लोग 23 ही तो मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या मांग रहे हैं, कम से कम एडमिशन तो हो सकता है ना। बहुत ख़राब लग रहा है, जैसे दुनिया ही उजड़ गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। नींद नहीं आता है, अंदर से बेचैनी लगता है, किसी को बता नहीं पाते कि ऐसा हो गया है। लेकिन घर वाला बोल रहा है कि मेरा छोटा भैया भी पास किया है, तो बोल रहा है कि तुम बिना लिखे फेल किया है, सब तो तेरा छोटा भाई भी पास किया, तुम कहीं भी जाके मर जाओ, ऐसा बोल रहा है। आप क्या करेंगे, बोलिए कि हम ये छत से कूद के मर जाएंगे सर। बुलाया कि सर, बोलता है कि सर फोन करते हैं ना, तो बोलता है कि इतना पैसा तो पास कर देंगे। कौन बोला ये बात? हाँ, यहाँ सर, सब सर को हम फोन किए हैं, जो जेक तरफ से नंबर होता दिया था ना, उसी वाला में पैसा बोलता है कि पैसा दीजिए, हम पास करा देंगे। वो नीट का पिछले साल निकाल लिया एग्जाम, और एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था केमिस्ट्री में, फिर हम लोग रिपीट किए थे इस बार एग्जाम देने के लिए, तो सेम रिजल्ट दे दिए हैं। और ये जो पेपर में जो निकाला गया है जैक काउंसिल की तरफ से, कि ये आप इस पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप जीमेल कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, ना नंबर है लगता है यार, ना कभी जीमेल जाओ तो कोई रिप्लाई नहीं है। पता है, मेरे गार्जियन मतलब लास्ट ऑप्शन दिए थे मेरे को, बहुत मुश्किल से बहुत तैयारी किए थे हम, ठीक है, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर इस पर पास नहीं किया जाता, मेरे को कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन है जो ऑब्वियसली समझ ही रहे होंगे। नमस्कार, जैक ने झारखंड के 12th बोर्ड की रिजल्ट जारी कर दी है। लगभग 95% लोग पास हुए हैं, लेकिन लगभग 5% या 4% के आसपास की संख्या है जो फेल हो गए हैं। ये सभी लोग जैक के ऑफिस पहुँचे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिस पहुँचे हैं, हज़ारों की संख्या है, और इनकी मांग यही है कि जब परीक्षा नहीं हुई तो आखिर हम फेल कैसे हो गए, या वो कौन सी प्रक्रिया है जिसने आप सबको फेल कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहिद हुआ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बोला कि 95% बच्चे पास है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 34,168 बच्चे जो हैं वो फेल हैं, और वो इंटरमीडिएट में ही सिर्फ फेल हैं, और जो 11 जो हम लोग ये बच्चे लोग 10th का एग्ज़ाम दिए उसमें 11,000 से ज़्यादा बच्चे लोग फेल हुए हैं। और जो आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग सब यही बोलेंगे, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। बहुत कोई सुबह आप कहाँ से आए? हम लोग आए हैं बड़वारी कॉलेज के पास से, लेकिन सभी कॉलेज के इकट्ठे होके हम लोग आए हैं। आपका नाम क्या बताएं? मेरा नाम शाहिद है सर। शाहिद जी, बताइए कि आप किस जिले से? जी, मैं रांची जिले से। तो आप फेल कैसे हुए, कितना मार्क्स आया, कहाँ, किस में आपका दिक्कत हुई? 11th में अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी, जो कि 11th में हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स से हम लोग प्रमोट हुए, फिर भी हम लोग को 12th में फेल कर दिया गया, और हम लोग से जो वीक बच्चे थे उन लोगों को फर्स्ट डिवीज़न दे करके, वो भी कम नंबर नहीं, उन लोगों का 350 नंबर, 412 नंबर ऐसा दे करके उन लोगों को पास कराया गया है। तो हम यही बोलेंगे कि सबको इक्वल न्याय मिलना चाहिए। जितना आया था 11th में उतना ही आया 12th में सर। थ्योरी में सर, थ्योरी में सर, थ्योरी में जितना आया ना सर 11th में उतना ही आया 12th में सर। मेरा नाम सचिन है सर, मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। क्या दिक्कत है सर? मेरा 11th में सारे विषय में 50% से अबव मार्क्स है, उसके बावजूद भी 12th में मुझे दो विषय में फेल कर दिया, 321 नंबर है मेरा, वहाँ पे फेल कर दिया गया मुझे। आपको लग रहा है कि जो प्रक्रिया है जी वो ढंग से पालन नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, सब ऐसे ऐसे नंबर चढ़ाए हैं जैसे लगा हो कि नींद में सोए हो के, ऐसे उसमें कुछ भी टाइपिंग कर दिए गए। देखिए, एक सभी लोग बहुत गुस्से में हैं और इसलिए अपनी बात रखना चाह रहे हैं, एक मिनट बात रखना चाहिए। देखिए, ये लोग जो है उनका कहना कि 11th में उनका मार्क्स अच्छा आया था, इसके बावजूद फेल कर दिया गया, विभिन्न जिलों से आए हैं, कह रहे हैं कि जो मार्किंग स्कीम है वो सही नहीं रही है, इसी वजह से लगभग 34,000 बच्चे फेल हो गए हैं ना। छात्रों के बीच इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एक अभिभावक भी आई हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कह रही है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पायल सोनी है, मैं रांची बूटी मोड़ से आई हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ मुख्यमंत्री सर ने बोले थे कि बगैर परीक्षा दिए हुए सभी स्टूडेंट को पास किया जाएगा, तो जब सबको पास करना था तो आज इतना सारा स्टूडेंट जो यहाँ पर मतलब आकर के बैठा हुआ है या परेशान हो रहा है, तो फिर स्टूडेंट को फेल क्यों किया गया, किस व्यू पे ये लोगों को फेल किया? जी सर, मेरा नाम कमलेश कुमार है, जैसे कि मेरा जो 12th में था, जो 11th में था उसी में 12th में चढ़ा दिया है सर, और ग्रेक्स मार्क्स भी नहीं दिया है, सेम मार्क्स चढ़ा, हाँ उसी सेम मार्क्स चढ़ा दिया, अगर ग्रेक्स मार्क्स देगा ना तो मेरा पास हो जाएगा सर। घर वाला बोल रहे मार्क्स से फेल सर, मेरा 237 है।
मेरा 237 से मेरा पास है, लेकिन घर वाला बोल रहा है कि मेरा छोटा भैया भी पास किया है, तो बोल रहा है कि तुम बिना लिखे फेल किया है, सब तो तेरा छोटा भाई भी पास किया, तुम कहीं भी जाके मर जाओ, ऐसा बोला। अब क्या करेंगे बोलिए, कि हम ये छत से कूद के मर जाएंगे सर? हैं सर, घर वाला बहुत गाली दे रहा है, हमें भी रांची से हैं, रांची से आए हैं घर, सर बुलाया कि सर, बोलता है कि सर फ़ोन करते हैं ना तो बोलता है कि इतना पैसा तो पास कर देंगे। कौन बोला ये? हाँ, यहाँ सर, सब सर को हम फ़ोन किए हैं, जो जो जेक तरफ से नंबर ही होता दिया था ना, उसी वाला में पैसा बोलता है कि पैसा दीजिए, हम पास करा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। भाई कमलेश, थोड़ा कैमरा पीछे आना चाहिए। कमलेश जी, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं आपने, जो फ़ोन किया जैक में कि हम फेल हो गए हैं, तो आपसे कहा गया कि पैसा दीजिए, पास कर दीजिए, पास करा देंगे बोल रहा है। और ये कहाँ का नहीं है सर, हम तो पास किए हैं जैक की तरफ से। हाँ, जैक के तरफ से बोला है कि पैसा दीजिए, हम पास करा देंगे। तो ये हम क्या कहाँ पाएंगे सर, हम लोग तो गरीब आदमी है। रिकॉर्ड किए थे? रिकॉर्ड तो नहीं किया सर, बहुत मेहनत से हम 12th में पास किए हैं, तो 12th में तो कम से कम होना चाहिए, तो मैं तो मेरा तो पास है, हम क्या करेंगे बोलिए सर। इतना रोना आता है कि कुछ कि लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गया है। इतना भी बेकार ना है हम लोग की पासिंग मार्क्स भी नहीं दे रहा है, वो लोग 23 ही तो मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या मांग रहे हैं? कम से कम एडमिशन तो हो सकता है ना, उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं हम लोग सरकार से। ना सरकार, मनीषा लकड़ा, मड़वाड़ी कॉलेज की हूँ मैं। रो क्यों रही? क्यों नहीं रोएंगे सर, लग रहा है क्यों, क्या हो गया? बस 23 ही चाहिए, हम और कुछ नहीं मांग सकते हैं। पास हो गए, सब सब्जेक्ट में ठीक नंबर है। बहुत खराब लग रहा है, जैसे दुनिया ही उजड़ गया है, मतलब खत्म हो गया है। नींद नहीं आता है, अंदर से बेचैनी लगता है, किसी को बता नहीं पाते कि ऐसा हो गया है। आदमी भी ये बोल रहा है कि कोरोना काल में कैसे आदमी फेल हो सकता है, जब यही चल रहा था, एग्जाम ले उसके बाद फेल हो तब होगा। या तो सब लिखे या तो सबको पास किया जाए, और हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। क्या प्लानिंग था आपका, मतलब क्या करना चाह रही थी, इसके बाद एडमिशन कहाँ लेने वाली थी? हम ग्रेजुएशन करने का पूरा तैयारी में थे, करते रांची कॉलेज से, और जब ऐसा हो गया तो बहुत, जो भी हुआ बहुत गंदा हुआ। जब देखे तो सब पास, और जो स्कूल कॉलेज जाती भी नहीं है, रेगुलर जो आती भी नहीं है, वो लोग का हाईएस्ट नंबर दे दिया गया है। और जो हम एनी टाइम इस कॉलेज जाते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट जो फेवरेट है, वो सब्जेक्ट बहुत बेकार दे दिया है हमको, उसी में मेरे को फेल कर दिया है। कौन सा विषय है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ। 11th में साइकोलॉजी में कितना मार्क्स आया? मेरा आ गया था पासिंग मार्क्स, पूरा उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया था हमको। अब तो आप अभी दे दिया है 16 दिया है अभी। पासिंग मार्क्स तो देना चाहिए ना, कम से कम मार्क्स। पासिंग मार्क्स है अभी 23। यानी कि आप 5 और 7 नंबर से आप। हाँ, हम 17-19 के सेशन के हैं, ठीक है। हम उस साल 2019 में हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए बोर्ड एग्ज़ाम, कुछ रीज़न की वजह से, तो हम 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम। और जो कि जो मार्क्स आया था मेरा, ठीक है, पिछले 2019 में जो मार्क्स आया था, वो सेम टू सेम डिटो इस साल भी कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए बस ये जो मार्क्स है, ये 50 था मेरा, इसमें 54, बस 4 मार्क्स मंगाया, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में पिछले बार हम फेल थे, सेम टू सेम डिटो वो कॉपी मार्क्स मेरे को उतार दिया। केमिस्ट्री में जैसे मेरा पिछले बार 10 ही आया था, ठीक है, 2020 में, वो सेम उतार दिया, इसमें भी सेम वही। फिजिक्स में भी तो 4 विषयों के जो आपके जो अंक है, जो मार्क्स है, वो सेम जो पिछले साल था, वही सेम टू सेम इसका आपका सेम उतार दिया, ठीक है। अब मैंने लगभग 2 साल से, मतलब 12th में ही हूँ, ठीक है, 1 साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, पिछले साल 2020 में एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो वो सेम टू सेम इस साल भी सेम टू सेम उतार दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रभात कुमार राणा हुआ, संजीवर को पता है। मेरे गार्जियन मतलब लास्ट ऑप्शन दिए थे मेरे को, बहुत मतलब बहुत मुश्किल से बहुत तैयारी किए थे हम, ठीक है, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है इसके अलावा, अगर इस पर पास नहीं किया जाता मेरे को कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। बस एक ही ऑप्शन है जो ऑब्वियसली समझ ही रहे होंगे। कुछ अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चों के साथ जैक के ऑफिस आई हुई हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा रेणु कश्यप नाम है। कहाँ से हैं रेणु? हमारे गोड़ा से हैं। क्या दिक्कत हो रही है, कौन फेल हुआ है? फेल कर दिया है मेरा बेटा को, वो नीट का पिछले साल निकाल लिया एग्ज़ाम, और एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था केमिस्ट्री में, फिर हम लोग रिपीट किए थे इस बार एग्ज़ाम देने के लिए, तो सेम रिजल्ट दे दिए हैं। नीट का एग्ज़ाम निकाल लिया? हाँ। देखिए भाई, नीट का परीक्षा आप जानते, जो लोग बड़ा एग्ज़ाम होता है नीट, जो कि मेडिकल के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम है 12th क्लास के बच्चों, वो एग्ज़ाम निकाल लिया, लेकिन 12th में फेल हो।
अभी फेल कर दिया दोबारा। हाँ मतलब पिछले बार केमिस्ट्री में फेल था, दोबारा हम लोग फिर एग्जाम लिखवा रहे थे, इस बार तो परीक्षा हुई नहीं, हुई नहीं, फेल कर दिया, फेल कर दिया। तो हम पूछते हैं क्या झारखंड बोर्ड आपका नीट से भी ज़्यादा हार्ड है? हम लोग को जो हम लोग ट्वेल्थ में दिए पिछले बार वाला एग्ज़ाम हम लोग दिए थे ना 2018 बैच के साथ, तो वही वाला मार्क्स को दे दिया है, सेम दे दिया है, ना मार्क्स बढ़ा है ना घटा है। सभी विषयों में क्या? सभी सब्जेक्ट्स में वही मार्क्स दे दिया? हाँ सभी सब्जेक्ट्स में, मतलब जो प्रैक्टिकल है ना वो भी सेम ही है, प्रैक्टिकल हम लोग दिए थे कॉलेज में, पर प्रैक्टिकल का भी सेम मार्क्स है, और जो थ्योरी है ना बस इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाया है, बाकी सभी मार्क्स कंटिन्यू हो गया, सेम पूरा सेम है। इससे दिक्कत क्या होगी? इससे दिक्कत कैसे नहीं हुआ, हम लोग के OMR वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बाद में वो लोग वो वाला रूल निकाला, तो हम लोग के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, ये भी तो बात है। तो ये समस्या आ रही है। हाँ ये देखिए एक लग की समस्या है, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी सर। अंजलि क्या समस्या आई बताइए तो। सर एक नंबर के चलते हम लोग को फेल कर दिया गया है, और किसी किसी को 4-5 नंबर दिए, 10 नंबर दे के भी बढ़ा के उन लोग को और आगे कर दिया गया है सर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कहाँ से आई हैं? हम हेसलमंजला टोली से आए सर। भैया मैं वेस्ट बैंक। नाम क्या नाम हुआ? नरोत्तम महातो। मैं आपका नाम क्या? विशाल कुमार नाम है मेरा। क्या दिक्कत हुई? भैया बोला गया था हम लोगों को ग्रेस मार्क भी देकर पास कर दिया जाएगा, लेकिन पास नहीं किया गया। हम लोग को जितना 11th में नंबर था उससे भी कम नंबर आया है, और किसी किसी का बच्चे का है प्रैक्टिकल 30 नंबर का, उसका 57 नंबर आ जा रहा है। कैसे आ रहा है 30 में 57? कैसे आ रहा है 70? कैसे आ रहा है? एक आदमी बोलिए तो ना बात आ पाती है। आप इधर आइए। नाम क्या हुआ? सर मेन प्रॉब्लम ये है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा पास हुआ है सारे बच्चे में पास मार्क्स, नीचे फेल लिखा हुआ, क्यों सर ऐसा क्यों हुआ बताइए? सारे बच्चे के साथ ऐसे लगभग जो पास है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? फेल लिख दिया नीचे, सारे थ्योरी में पास है प्रैक्टिकल में पास है फिर भी फेल नीचे लिखा हुआ है। जो नंबर दिए उसमें आप पास हैं? यस। लेकिन नीचे फेल लिखा हुआ, फाइनल रिजल्ट उसमें फेल लिखा हुआ, वहाँ पे फेल लिखा हुआ, ऐसा क्यों? दिखा सकते हैं आप? और दिखा भाई आकाश। देखिए एक समस्या अगर दिखा दीजिएगा है तो ये कई तरह की समस्याएं आ रही है। एक तो ये है कि बहुत लोग फेल हो गए हैं जिनका 11th में अच्छा मार्क्स था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी विषयों में वो पास हुए हैं इसके बावजूद उन्हें नीचे फेल लिख दिया गया है। अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। आप क्या कह रहे थे इधर आइए, क्या कह रहे थे? कहना यही है कि अगर एग्जाम हो तो सारे लोग का हो, जो टॉप किए उनका भी और हम लोग का भी हो। ऐसा नहीं है कि जिन जो फेल कर गए तो उनका सिर्फ एग्जाम निकाल दिया जाए और वही एग्जाम दे, नहीं। और ये जो पेपर में जो निकाला गया है जैक काउंसिल की तरफ से कि ये आप इस पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप जीमेल कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, ना नंबर है लगता है यार, ना कभी जीमेल जाओ तो कोई रिप्लाई नहीं है, तो ऐसा देखिए झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें जो नंबर और जो ईमेल दिया गया है, छात्रों का कहना है कि इन ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आता नहीं। है और जो नंबर उसे फोन लगता नहीं है। पास ईमेल भी हम आपको दिखा भी सकते हैं। आप लोग देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई एक इंसान ये बताइए हमको कि जब आप लोग यहाँ पहुँचे किस अधिकारी से बातचीत आप लोग की हुई किसी से? नहीं हुआ था हम लोग के साथ, ये सब बात नहीं हुआ था हम लोग के साथ। और आप लोग ऊपर गए? हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर से ना 3-4 बार अप डाउन किए, लेकिन हम लोग को कुछ अच्छा से बात नहीं किया गया, उल्टा हम लोग को बाहर भेज दे रहा था। लेकिन हम लोग बाहर क्यों जाए जब हम लोग के साथ अन्याय हुआ है? तो जब सबको पास करना था तो सबको पास करना, तो फिर हम लोग को क्यों फेल किया गया? सचिव आए थे ऊपर से बोले कि सबको एग्जाम फिर से दीजिए, जितने भी फेल है सबसे पहले फिर से एग्जाम दीजिए, कंपार्ट दीजिए, आप लोग कंपार्ट दीजिए, एक विषय में है, एक विषय में, सारे विषय में, सारे विषय का एग्जाम दीजिए, हम लोग एग्जाम क्यों दे भैया? यानी कि सचिव आए थे उन्होंने बच्चों से ये कहा कि जो लोग फेल हो गए हैं वो दोबारा एग्जाम दीजिए, लेकिन इनका कहना ये है कि हम दोबारा एग्जाम क्यों दें, बाकी सबका एग्जाम होना चाहिए, और जिनके रिजल्ट अच्छे हैं 11th में वो कैसे फेल हो गए, साथ ही जो व्यक्तिगत रूप से हर सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनके रिजल्ट के नीचे फेल कैसे लिखा गया है, तमाम समस्या यही बात है। देखिए एक बार हम चाहें कि थोड़ा कैमरा में पीछे जाए और दिखा सके कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर है, और मुझे लगता है कम से कम हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से लोग आए हैं, सभी राज्य के सभी जिलों से, कल रिजल्ट जारी हुआ परसों, और ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है, कल जमशेदपुर से खबरें आ रही थी, राज्य के बाकी जिलों से भी खबरें आ रही हैं कि जो विद्यार्थी हैं जो छात्र हैं वो असंतुष्ट हैं इस रिजल्ट से, जो परिणाम आया है वो गड़बड़ है, क्योंकि इनके मार्क्स अच्छे थे, जब ये झारखंड अधिविद्य परिषद पहुँचे हैं तो यहाँ कोई उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, और सचिव यहाँ पर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, वो लोग सब कहीं बैठ रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? अच्छा भैया ये बताइए, हम लोग टेंथ में पास हुए थे, ठीक है, हम लोग टेंथ में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, ठीक है, इलेवेंथ में, ठीक है, उसके इलेवेंथ में पास हुए, तो ट्वेल्थ में बिना एग्जाम दिए कैसे फेल हो सकता है ये बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश हुआ। आकाश जो है, आकाश बता रहे कि टेंथ में, ठीक है ठीक है ठीक है, टेंथ में आकाश का 60% सुपर मार्क्स था, इलेवेंथ में भी अच्छा मार्क्स था, जब परीक्षा देकर ये दोनों विषय दोनों क्लासेस में पास हुए, अब बिना परीक्षा दिए, चूंकि मार्क्स के आधार पर ही पास होना है सबको, तो जब टेंथ में भी अच्छा मार्क्स, इलेवेंथ में अच्छा मार्क्स और बाकी कंसेक्यूटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, तो फिर कैसे फेल हो गए, यही कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। और हम कंपार्ट क्यों दे बिना एग्जाम लिखे ये बताइए, जब हम एग्जाम लिखे फेल भाई, जो परीक्षा नहीं, जो परीक्षा ही नहीं हुई है तो कंपार्टमेंट एग्जाम पर क्यों दिया? एग्जाम होगा भैया, सबके लिए एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। हाँ मेरा ये कहना, एग्जाम होगा तो कौन कॉलेज हम लोग को ले गए, एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि हम लोग पढ़ाई किए नहीं तो कैसे एग्जाम दे सकते हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, सबको लिखा जाएगा तभी होगा, वरना ऐसे नहीं हो सकता है। सबकी बातें यही हैं, जब ये छात्र यहाँ पहुँचे अपनी समस्याओं को लेकर, तो समस्याओं को लेकर इनसे ये कहा गया कि जो लोग फेल हुए हैं वो कंपार्ट का एग्जाम दे, ये कह रहे हैं कि जब परीक्षा दी ही नहीं गई है और बाकी लोग जो पास हुए उन्होंने परीक्षा नहीं दी है, तो हमसे कंपार्ट देने को क्यों कहा जा रहा है, और क्या अब कोरोना वायरस नहीं है? शिक्षा मंत्री जी ने खुद बोला कि हम आपके साथ हैं, आज उनका भी फैसला, आज उनका मैंने रिपोर्ट दे दिया हूँ, आज उनका फैसला नहीं आएगा तो उनके ऊपर भी बैठे हुए हैं, मत मैं तो नहीं बात कही, जगन्नाथ में तो उन्होंने कहा सब बात कहा, यहाँ हल्ला हल्ला हो रहा है मगर भैया देख लीजिए, आज जगन्नाथ शिक्षा मंत्री नहीं माने तो उसके ऊपर हम लोग जाएंगे, मगर अपना बात मना कर रहे हैं। देखिए अधिकारी जो है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जो ये लोग कह रहे हैं अधिकारी उपस्थित नहीं है, लोग ऊपर से देख रहे हैं, और इनसे बात करने को कोई आकर बात करने को तैयार नहीं है। छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि उनको मीडिया के सामने आकर बातचीत करनी चाहिए, आखिर जो समस्या है वो बात, ठीक है ठीक है, वही कह रहे हैं, इनकी इनकी मांग है कि जो अधिकारी है वो पहुँचे और आकर इन छात्रों से बातचीत करें और मीडिया के सामने अपना जवाब दें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है इसलिए सब लोग गुस्से में हैं। जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसको पूरी बात आ गई है, बात यही है वेस्ट बंगाल से आए, हाँ वहाँ पे सभी बोर्ड को, सभी वहाँ के बोर्ड में सभी को पास कर दिया गया है, जो लोग फेल थे स्कूल में जाके एग्जाम दिया। घर कहाँ है? वेस्ट बंगाल पुरुलिया। जैक बोर्ड से परीक्षा? हाँ जैक बोर्ड से परीक्षा दी है। ठीक है, सबकी समस्याएं, जो जो पहले तो 11 में मेरा था वही 12th में ही बिठा दिया है सर, और ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिया है। पूरी बात आ गई हम समझ चुके हैं पूरी बात आ चुकी है, यही है कि 11th में जिसके अच्छे मार्क्स थे वही फेल हुए हैं, जिनके व्यक्तिगत नंबर देकर पास हुए हैं वही फेल हुए हैं, और अब जब ये लोग पहुंचे हैं तो अधिकारी बात करने के नहीं आ रहे। देखिए दूसरी तरफ भीड़ लग चुकी है और सभी लोग मंत्रणा बना रहे हैं कि अगर अधिकारी नहीं है तो आखिर ऐसे में क्या किया जाए। देखिए जो छात्रों के बीच में बाकी छात्र हैं वो समझा रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं कि जब अधिकारी नहीं है तो बातचीत करने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या विकल्प बचता है। जैक का ये कैंपस है जहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है और सैकड़ों की संख्या में, मैं कहूँ कि हज़ार डेढ़ हज़ार से अधिक की संख्या है, और ये सभी लोग यहाँ खड़े होकर अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे ये लोग फेल हो सकते हैं। तमाम जो दलील ये दे रहे हैं कि 11th में अच्छे मार्क्स थे उसके बाद फेल हो गए, जिन लोगों के जिन्होंने 10th में 60% ऊपर मार्क्स लाया है वो फेल हो गए, 34,000-35,000 के आसपास की संख्या है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब इनसे कंपार्टमेंट देने को कहा जा रहा है, ऐसा सचिव कह रहे हैं, ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि सचिव आए थे, उन्होंने कहा कि आप कंपार्टमेंट दीजिए, जब परीक्षा नहीं हुई है तो कोई कंपार्टमेंट क्यों देगा, और अगर परीक्षा होनी है तो इनका कहना है कि सबका हो सिर्फ हमारा नहीं हो, और जैक यह क्लियर करे कि आखिर किस आधार पर ये बच्चे फेल हुए हैं जब परीक्षा हुई ही नहीं है। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जैक की तरफ से कोई अधिकारी वर्तमान में यहाँ मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में हुए, नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है, हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। द फॉलोअप .in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in